वेलकम बैक टू किचन रेसिपी चैनल। मैं आपको बहुत ही यूज़फुल थिंग बताने जा रही हूँ। टॉपिक है स्पॉइल्ड फ्रेश क्रीम से बटर कैसे बनाएं। कभी कभी ये होता है हमारा फ्रेश क्रीम ख़राब हो जाता है, कभी हमने फ्रेश क्रीम को सही टेम्परेचर में नहीं रखा है, या उसको एक्सपायरी निकल गई है, या मौसम बहुत गर्म है। ये रीज़न्स होते हैं जिसके कारण फ्रेश क्रीम ख़राब हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब ये फ्रेश क्रीम का क्या करें। तो फ्रेंड्स, आप इसका बहुत ही अच्छा बटर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये फ्रेश क्रीम फेंकिए नहीं, मैं आपको बताऊंगी आज कि हम बटर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फ्रेश क्रीम ख़राब हो गया है? फ्रेंड्स, आप ये फ्रेश क्रीम देख पा रहे होंगे, इसका कलर थोड़ा येलो सा हो गया है। जनरली फ्रेश क्रीम वाइट कलर का होता है। पॉइंट, जब आप फ्रेश क्रीम खोलेंगे तो आपको उसकी स्मेल से पता चल जाएगी कि आपकी फ्रेश क्रीम ठीक है कि ख़राब हो गई है। वो स्मेल खट्टी खट्टी आएगी, जैसे कि दही की आती है, यानी कि वो ख़राब हो चुकी है। पॉइंट, आप उसे टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर वो खट्टा है टेस्ट में, यानी कि आपका फ्रेश क्रीम ख़राब हो चुका है। किसी भी रेसिपी में इसे यूज़ करने से पहले आप ये तीन चीज़ ज़रूर करके देखिए, उसका टेक्सचर, उसका स्मेल और टेस्ट। बहुत हो गई, तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि फ्रेश क्रीम से बटर कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको पूरा फ्रेश क्रीम एक बाउल में ले लेना है। बटर की हेल्प से आपको इसको बीट कर लेना है मीडियम स्पीड में। पहले ठीक होने लगेगा बीट करते करते, और आप फिर उसका टेक्सचर देख सकते हैं, फटना स्टार्ट हो जाएगा और बटर में चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेश क्रीम जो है वो पूरा बटर में टूट चुका है। अभी हमें प्योर बटर नहीं मिला है, हमें इसे और बीट करना है। अराउंड 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे पूरे बीट करने में। हमें बीट करते रहना है जब तक बटर में से पानी ना निकल जाए। ये पानी देख पा रहे होंगे जो बटर में से निकला है, खट्टा पानी होता है जो हमारे काम का नहीं है। हमें इसी तरह इसको और बीट करके इसमें से पानी निकाल लेना है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो जो बटर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसमें से हमें अच्छे से पानी निकाल लेना है। मिनट हम और बीट करेंगे जिससे बटर में से पूरा पानी निकल जाएगा। देख सकते हैं बटर ने पानी छोड़ लिया है, बटर और पानी अलग अलग हो गया है। कि हमारा बटर बन चुका है, अब हम स्पैटुला के हेल्प से बटर को कलेक्ट कर लेंगे। फाइनल टाइम हम बटर को फिर से बीट कर लेंगे ताकि अगर कोई पानी रह गया हो तो वो निकल जाए। देख सकते हैं मक्खन और पानी अलग अलग अच्छे से हो गया है। मक्खन का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही फ्रेश है। मक्खन को पानी से अलग कर लेना है, उसके लिए मैं थोड़ा ठंडा पानी इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो आइस वाला पानी भी डाल सकते हैं ताकि बटर जो है वो ईज़िली निकल जाए पानी में से। ये काफ़ी बटर मिल गया है हमें फ्रेश क्रीम से। इसे अच्छे से शेप दे देंगे तो ये बाज़ार में जो बटर मिलता है उसकी तरह हो जाएगा। हम सभी बटर को निकाल लेंगे बाउल से। ये देखिए, इस तरह हमने बटर को निकाल लिया है, और अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से ठंडे पानी से हम धोएंगे ताकि कोई सोरनेस हो या कोई स्मेल हो तो वो निकल जाए। 2 से 3 बार अच्छे से चिल्ड पानी में धोने के बाद आप चाहे तो इसे रनिंग वाटर में भी धो सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी था ये बटर बनाना फ्रेश क्रीम से। तो आपका जब फ्रेश क्रीम कभी ख़राब हो जाए तो आप उसे फेंके ना और बटर बना के यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।